आज की जा रही है, और मैं समझता हूं कि इसका बड़ा फायदा किसानों को होगा, किसानों को वाजिब दाम मिलेगा, किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को इसके कारण बल मिलेगा और किसान के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। इस दृष्टि से यह निर्णय निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यही प्रमुख रूप से मुझे आप सबके मध्य रखना था। आप सबके मन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर बताइएगा। सवाल ये है कि आपने कहा कि 29,000 रुपया अनुदान के रूप में पाम बायर के लिए देते हैं, एक नंबर। दो है कि पाम बायर इम्पोर्ट जो है उसको आप कम करेंगे, या इसका पाम बायर का जो मूल है वो जिस तरीके से गन्ना का मूल सरकार निर्धारित करती है, क्या उसी तरीके से ये करेंगे? देखिए, अभी तक तो इस दिशा में कोई कदम उठाया नहीं गया था। जो मैंने 29,000 प्रति हेक्टेयर कहा, यह पहले 12,000 प्रति हेक्टेयर होता था, इसको बढ़ाया गया। नर्सरियों के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है, उसके प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौध का निर्माण हो और पौध की जो मांग हमारी घरेलू है उसकी आपूर्ति हो सके। और जैसा मैंने आपको बताया कि कुल मिला के किसान के सामने दो चुनौतियां होती थी। एक तो ये फसल लंबे कालखंड में आने वाली है, और फसल आएगी तो बाजार के उतार चढ़ाव के कारण वो फसल कितने में बिचेगी, उसे कितना दाम मिलेगा, ये अनिश्चितता उसके सामने रहती थी। इसलिए राज्य भी इस दिशा में कम प्रवृत्त होते थे और किसान भी कम प्रवृत्त होता था। इन चुनौतियों को पहचान कर भारत